लोकेशन तो यहीं पर खत्म हो गई है। चलो दीदी हम आ गए, वो सामने वाले रूम में जाना है। अरे पर हम आए किधर हैं? रील्स बनाने के लिए, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर हम रील्स बनाएंगे, बहुत सुंदर जगह है। हाँ आ जाओ आ जाओ, साथ में बनाएंगे डांस वाले जिसके लिए हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे। आ जाओ। ये है दीदी ग्रीन रूम, यहाँ पर हम रेडी होंगे। ग्रीन रूम? पर ये तो रेड रेड है। ग्रीन रूम का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज ग्रीन हो, कुछ पता तो है नहीं। ग्रीन रूम क्यों नाम रखा है इसका, रेड रूम भी तो रख सकते थे। सबके अपने अपने नाम होते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं मेकअप करूंगी, ठीक है? उसके बाद कुछ ड्रेसेस भी हैं, वो भी चेंज करनी है। तो आप ही क्यों चेंज करोगे, आप ही क्यों मेकअप करोगे? मैं भी तो कर सकती हूँ ना। आप कर सकती हो लेकिन आपके लिए नहीं है ना, ये सब मेरे लिए है, क्योंकि मैं रील्स की स्टार हूँ इसीलिए। स्टार का क्या मतलब है? मैं भी चेंज कर सकती हूँ, मैं भी घुसती हूँ जाके बीच में। मैं तो यहाँ पर खूब सारा मेकअप कर लेती हूँ। सब कुछ फ्री का ही है, और मैंने बताया भी नहीं मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है। अभी खुद देखेंगे तो जल जाएंगे। ये आप किसका मेकअप लगा रहे हो इतना सारा? आपका तो नहीं है। ये मेरा नहीं है लेकिन मेरे लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर ना वो मैंने आपको बताया नहीं वरना आप आती नहीं। यहाँ पर मेरा एक्चुअली एक छोटा सा शूट भी है रील्स के साथ साथ। शूट? शूट? शूट कैसे मिला आपको? मैं फेमस इतनी हूँ कि मुझे कुछ भी मिल जाता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप यहाँ शूटिंग के लिए आई हो और मुझे घर पे नहीं बताया, क्योंकि मैं मना कर देती ना आने के लिए। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये लोकेशन मिली है, हम इसको यूज कर सकते हैं, इस पर डांस कर सकते हैं और रील बना सकते हैं, वो बहुत वायरल जाएगी, समझ गए? बस इसीलिए। वो सब तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही मुझे भी इसमें कुछ पार्ट चाहिए, हिस्सा चाहिए मुझे शूट में। हाँ हाँ वो तो आप ले सकती हो, मेकअप कर लेना, अभी यहाँ पर किसी और लड़की का होगा उसके बाद कर लेना। चलो मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ, खूब सारी ड्रेसेस भी। हाँ चालू बन रही है। वाह कितनी सारी ड्रेसेस हैं, सारी मेरी हैं। ये देखो कितनी सुंदर है। हाँ ये तो बहुत सुंदर है, ये ना मैं पहन लेती हूँ। दीदी आप नहीं पहन सकती ये कोई ड्रेसेस, क्योंकि ये मेरे शूट के लिए है। हाँ अगर आपको पहननी है तो मैं उसे पूछ लूंगी कि आप पहन सकती हो या नहीं, विदाउट परमिशन आप नहीं पहन सकती हो। ऐसा होता है क्या? हाँ पकड़ना एक मिनट, पकड़ पकड़ पकड़ो। देखो मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ अभी, ब्लैक, और इसके स्लीव्स भी कुछ ऐसे हैं, इतनी प्यारी लगेगी ना, बस दो मिनट में चेंज करके आती हूँ। दे दो वापस, आप बाहर जाओ मैं चेंज करके आती हूँ, जाओ जाओ। यही तो फेस देखना चाहती थी मैं, ये चिड़े, जब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ पहनती हूँ और इनको और चिढ़ाती हूँ। कब आएगी बाहर, इतना लेट हो गया है, ज्यादा लेट करेगी तो मैं घर चली जाऊंगी। वाह भाभी आप तो कितनी सुंदर नहीं लग रही हो, लेकिन ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, कितना प्यारा काम है ये। हाँ हाँ ड्रेस के साथ मैं भी सुंदर लग रही हूँ और बहुत स्लिम भी लग रही हूँ। ब्लैक में तो हर कोई पतला लगता है, लेकिन ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी है। वैसे ये भी अच्छी लग रही है। अच्छा तो अभी ना मेरा शूट चलने वाला है, उसके बाद मेरी दूसरी ड्रेस है, तीसरी चौथी पांचवी। अरे कितना चेंज करोगी? चेंजेस तो थोड़े हैं ना, वो एक्चुअली मुझे थोड़े पैसे मिले हैं इससे। आप पैसा भी कमाने लगी इससे? हाँ चेंजेस के हैं बस, और कुछ नहीं है, जितने कपड़े पहनोगे उतना इनका फायदा, इनका प्रमोशन होगा। यू नो मैं रील्स बनाती हूँ तो इनका प्रमोशन भी करना जरूरी है, तो चलते हैं। आप भी देख लेना, फिर मैं उनको बोलूंगी कि एक ड्रेस इनको भी दे दो। क्या भाभी सच में? हाँ हाँ मैं बोल दूंगी, एक ड्रेस दे देंगे वो आपको, आपका भी शूट हो जाएगा। और मुझे पैसे कितने देंगे? कैसी बातें कर रही हो, वो पैसे क्यों देंगे आपको? पैसे नहीं देंगे। फॉलोवर्स देखे हैं आपके कितने? हाँ 100K भी नहीं हो रहे हैं। वही तो, 100K भी टच नहीं करे अभी तक आपने, और मैंने मिलियन में है। थोड़ा डिस्टेंस बना के चला करो, अपने से बड़ों को और छोटों को साथ साथ मत रखा करो। चलो ज्यादा मत बोलो, अब ज्यादा फॉलोवर होगा, मिलियन तो स्टाइल मार रही हो। चलो जल्दी घर चली जाऊंगी वरना छोड़ के। हाँ नहीं नहीं मैं आपकी बात करती हूँ, पहले शूट करते हैं, आ जाओ। मेरे 100K कब होंगे? कर दो जल्दी, पूनम पे बेस्ट इंस्टाग्राम। चलो भाभी कितना चलना पड़ेगा, कितनी गंदी धूप हो रही है, चले ही जा रहे हैं चले ही जा रहे हैं। अरे कुछ पाने के लिए कुछ होना होता है, वहीं पर है बस शूट। आ जाओ आ जाओ मेरा शूट देखना और कुछ सीख भी लेना, आ जाओ। भैया ऐसे लेना, ये वाला भी। भैया मेरा भी ले लो। क्या कर रही हो, यहाँ पर मेरा शूट चल रहा है, कुछ और नहीं, चलो हटो यहाँ से। अरे तो मैं भी एक आध फोटो ले ली, तू ना मेरी अच्छी लग रही हूँ, ऐसे कपड़ों में बहुत बुरी लग रही हूँ मेरे सामने, हटो यहाँ से। ओ मैडम साइड दो, शूट करने दो। ठीक है भैया चलो जाओ, बेइज्जती करवाती रहती है। आप लोग इनको माइंड मत करना, तो ऐसे ही है। क्या कितने मजे में फैन में शूट करा रही है, और मुझे कितनी गर्मी लग रही है, ऐसी हालत में लेके आई है मुझे, मम्मी को बताऊंगी कैसे लेके आई थी। दीदी क्या हुआ, आपने इतना मुंह की सड़ा रखा है, सब देख रहे हैं आपको। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। गर्मी तो हो रही है, आप चेंज करने चलते हैं, थोड़ी देर एसी में बैठोगे और आपको अच्छा भी लगेगा। मैं भी चेंज करूंगी, अभी मैंने पूछा नहीं है, पूछ लेती हूँ कॉल पर। चलो यार चेंज करेगी, इसको क्या चेंज करना है। ला 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 कहाँ गई है चुड़ैल, कहीं नहीं दिख रही, कहीं मम्मी जी को तो नहीं कॉल कर दिया इसने? नहीं नहीं
ऐसा तो नहीं करेगी, क्या उसको पता है इसका भी शूट होगा? दीदी दीदी, हाँ मैं वॉशरूम में हूँ। अच्छा वॉशरूम में, मुझे लगा पता नहीं कहाँ है। आ जाओ जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। आ रही हूँ। ये कैसे कपड़े पहने आपने, कोई शर्म लाज है या नहीं है? ऐसे कपड़े आपको पहनाने हैं, मैंने उनसे बात कर ली है, तो नेक्स्ट ऐसे कपड़े आप पहनोगी। अच्छा हाँ, वैसे कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं और आप भी अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में। अभी तो आप कहते शर्म लाज नहीं है, अब आप पहनोगी तो नहीं होगी? अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी, वो तो आपको तो पता है आप कितनी सुंदर लग रही हो इन कपड़ों में, कपड़े सुंदर है ना इसलिए। और मैं सुंदर नहीं हूँ? हो मतलब ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो एक दूसरे को। अच्छा ठीक है, मैं ना शूट करा के आती हूँ, तब तक यहीं बैठो, आपकी ड्रेस लेकर आती हूँ मैं। मैं यहाँ क्यों बैठूँ, मैं चलती हूँ ना। नहीं नहीं बाहर बहुत गर्मी है, आप जाओगी तो आपको भी गर्मी लगेगी। आप बैठो, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ, 5 मिनट की बात है। बढ़िया से लेके आना। हाँ हाँ जाओ। अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कराऊंगी, इसलिए लेकर जा रही हूँ ताकि मैं अपनी रील्स बनाऊँ सिंगल, अगर इनके साथ बनाई उसमें भी घुस जाएंगी। वाह कितना अच्छा लग रहा है, ये भी ट्राई करूंगी, ये भी ट्राई। अरे मैडम क्या कर रहे हो यहाँ पर? भैया कपड़े ट्राई कर रही हूँ। कपड़े? कपड़े क्यों? भैया वो मेरे भाभी का शूट चल रहा है, इसलिए मैं भी कपड़े देख रही हूँ। कौन सा शूट? कोई शूट नहीं, निकलो यहाँ से चलो। अरे मेरे भाभी का, अरे मेरे भाभी का शूट, निकलो यहाँ से आप। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। दीदी क्या हुआ आपको, आप इतना सैड क्यों बैठे हो? मैं अंदर कपड़े चेक कर रही थी तो कोई लड़का आया और उसने मुझे बाहर भगा दिया धक्के मार के। ओह नो। अच्छा आपके साथ इतना बुरा किया उसने, उसको तो मैं देखती हूँ अभी। अरे नहीं भाभी रहने दो। अरे मेरी फूल जैसे दीदी की बेइज्जती करी उसने, उसको मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं, अभी आती हूँ। जाऊंगे सच में, क्योंकि मेरे यहाँ पर शूट चल रहा है ना, और अगर मैंने उसको सुना दिया तो मेरा ही खराब होगा। अगर आप चाहती हो मेरा कुछ खराब हो तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं भाभी छोड़ो, मेरी गलती है, मुझे पूछ के जाना चाहिए था अंदर। मैंने तो आपको बोला ही था आप भी फेमस होते तो आपका भी शूट होता आज। खैर कोई बात नहीं, अब हम घर चलते हैं, हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, पर मेरा तो शूट ही नहीं हुआ। उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम वो आपको बुलाएंगे और पे भी करेंगे। पक्का? हाँ हाँ पक्का, पे भी करेंगे, मेरा शूट भी हो जाएगा। कितनी छोटी हो यार, चले। हाँ हाँ चल।